हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल अंकुर @651। तो दोस्तों, आज हम आए हैं यहाँ कार वॉशिंग में और हम आपको बताएंगे इस बिजनेस के बारे में कि कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसमें क्या क्या चीज़ आपको रखनी पड़ेंगी। क्योंकि आप देखते हो दोस्तों कि आजकल कारों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, और दूसरा बाइक की भी, आप यहाँ बाइक भी धुलवा सकते हैं। ऐसी बात नहीं कि कार वॉशिंग में खाली कार ही धुलाई होती है, और ये हमारा कार वॉशिंग है, कलीम मास्टर कार वॉशिंग। देखिए इधर बोर्ड है और मैं इसके बारे में बताऊंगा, इनसे हमने आइडिया लेंगे कि क्या क्या इन्होंने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो कैमरामैन एक बार दिखाइए इस बोर्ड के ऊपर दोस्तों। ये अपना ये बोर्ड है GKR कार वॉश ग्राम। हम फिलहाल अभी सिक्किम में हैं, तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैं इसमें सारा प्रोसेस बताऊंगा आपको कि आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीज़ें रखनी पड़ेंगी, क्या क्या इंस्ट्रूमेंट होंगे आपको ये कार वॉशिंग के लिए, ताकि आप आसानी से जल्दी कार धो सकें। आपको बताया कि कार की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, बाइक भी आजकल इतनी बढ़ती जा रही है बहुत ज़्यादा, तो पानी हर घर में इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता कि आप अपने घर में हर घर में की कार वॉशिंग करें, तो आप आसानी से कार वॉशिंग करवा सके और अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सके, तो वो आइडिया भी हम दिखाएंगे आपको। आइए दोस्तों, दिखाते हैं हम आपको यहाँ पे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, जो आप कार वॉशिंग का बिजनेस स्टार्ट करने जाएंगे, इन्वेस्टमेंट की तो बात दूर है, सबसे पहले मेन रोड पे होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये रोड है, यहाँ पे टर्निंग है और इस टर्निंग पॉइंट पे है, ये कितना अच्छा यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी जगह खोला हुआ है। देखिए उधर से कार आसानी से जा सकती है, इधर से आसानी से आ सकती है, क्योंकि ये मेन रोड पे होना इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी गाड़ी किसी भी जिस इस रास्ते से गुजरेगी तो उसे दूर से दिखेगा कि ये यहाँ पे कार वॉशिंग होती है। और यहाँ पे आपने मैंने अभी वीडियो में दिखाया था आपको, बोर्ड लगा हुआ है वो, तो कोई भी दूर से देख सकता है कि यहाँ पे कार वॉशिंग। तो सबसे पहले आपको पहला स्टेप है कि आपको ये मेन रोड पे होना चाहिए, दूसरा आपको मैं उस रोड पे आपका यहाँ बोर्ड लगा होना चाहिए। तो हम यहाँ पे जो ये कार वॉशिंग करते हैं, जो जिन्होंने अपना बिजनेस किया हुआ है, तो हम इनसे पूछेंगे कि इन्होंने कैसे इनको विचार आया, और ये कलीम मास्टर हैं यहाँ पे। तो कलीम जी, ये आपने कार वॉशिंग का यहाँ बिजनेस खोला हुआ है, तो आप ये आपको कितनी जगह की जरूरत पड़ी है इसके लिए, जगह देख लीजिए ना, कैमरा ऑन कीजिए, पता चल जाएगा कितना है जगह। तो दोस्तों देखिए, पहले हमने बताया कि मेन रोड पे होना चाहिए, और इसके लिए कम से कम आपको हमारी भाषा में कहें तो ये 200-300 गज का प्लॉट होता है। यहाँ पे देखिए एक गाड़ी यहाँ बीच में, इधर ये इन्होंने एक गाड़ी का यहाँ पे बनाया हुआ है, एक गाड़ी बीच में आसानी से आ सकती है। ये जो बीच में नाली होती है ना, इसके लिए ताकि पास पानी यहाँ से पास हो सके आसानी से। देखिए एक गाड़ी इधर आ जाएगी, एक गाड़ी उधर आ जाएगी, तो इन्होंने दो गाड़ी का यहाँ बनाया हुआ है। यहाँ पे बाइक भी वॉशिंग होती है, बाइक का भी अच्छी तरह से वॉशिंग होता है। तो सबसे पहले आपको कम से कम 100 गज का प्लॉट होना चाहिए। और देखिए इन्होंने यहाँ पे पानी की टंकी बनाई हुई है, ये पानी का स्टोर होना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, यानी कि आप ऑनलाइन सप्लाई पानी देखेंगे, क्योंकि आपको पानी स्टोर करने के लिए रखना पड़ता है। इसके लिए क्या है, पानी स्टोर रहेगा यहाँ टंकी में, तो वहाँ पे आप दूसरी तरफ मोटर चलाएंगे। तो पहला स्टेप हो गया कि मेन रोड पे होना चाहिए, दूसरा है कि आपको यहाँ पे ज़मीन कम से कम 100 गज होनी चाहिए आपके पास। ज़रूरी नहीं है कि आप 100 गज ज़मीन खरीदे, उसको किराए पर भी ले सकते हैं आप। और ये तीसरा है कि पानी की टंकी होनी चाहिए, और फिर इधर आए आपने एक कमरा बनाना पड़ेगा, ताकि आपकी मोटर है ये बारिश वगैरह से बची रहे। ये देखिए इन्होंने मोटर रखी हुई है यहाँ पे प्रेशर के लिए, ये देखिए ये मोटर है, और इन्होंने वैक्यूम भी रखा हुआ है कि कोई भी गाड़ी वाला आता है, गाड़ी ज़्यादा गंदी हो जाती है, तो वैक्यूम से इसको आसानी से साफ किया जा सके। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है कि इससे क्या होगा कि जो जितनी ज़्यादा फैसिलिटी रखेंगे उतना आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा, उससे कि हर गाड़ी वाले को पता चलेगा कि भाई यहाँ की गाड़ी भी साफ होती है, तो वो दूसरे बंदे को भी बताएगा कि भाई उसके पास जाओ। तो देखिए ये जो पाइप है, ये पाइप भी आपको थोड़ा मोटा, और उसके लिए पाइप में एक आपको एक कंप्रेसर भी यहाँ पे ये प्रेशर लगाना पड़ता है, इसमें क्या पानी बहुत प्रेशर के साथ निकलता है, अगर आप इसका पानी का फ्लो ठीक नहीं रखेंगे तो वो प्रेशर कार पर नहीं पड़ेगा, और वो मिट्टी साफ नहीं हो पाएगी। देखिए अभी फिलहाल में यहाँ गाड़ी साफ हो रही है। तो दोस्तों ये आपका अगर कार वॉशिंग का बिजनेस करने के लिए सबसे पहला स्टेप हो गया आपका मेन रोड पे, दूसरा आपके पास 100 गज का प्लॉट होना चाहिए, तीसरा आपके पास एक मोटर होनी चाहिए, और उसके लिए आपको बिजली बिल का भी कनेक्शन लेना पड़ेगा। देखिए अभी मोटर स्टार्ट हो गई है, जैसा कि हम बता रहे थे आपको, ये देखिए इसका प्रेशर इतना तेज है, ये कम से कम 50 मीटर तक मार करता है पानी। देखिए ये देखिए दोस्तों,
अब ये प्रेशर जब कार पे पड़ेगा तो ये पड़ती पूरी मिट्टी साफ कर देता है। देखिए इसमें ये जब इसकी चूड़ी को घुमाते तो इसमें पानी का जो फ्लो होता है वो तरह तरह से बदल जाता है, फुहारे के रूप में भी चलता है, सीधी धार भी पड़ती है। देखिए आप देख रहे होंगे गाड़ी कितनी, एक बार में लग रहा है पानी तो सीधी साफ हो रही है। तो दोस्तों हमारी वीडियो से जुड़े रहेगा, इसे छोड़कर ना चाहिएगा। अगर आप इस पूरी वीडियो को देखेंगे तो आप इसमें सब बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। अगर आप कार वॉशिंग का बिजनेस खोलना चाहते हैं तो आपको ये सबसे पहले तो आपको ज़मीन का प्रबंध करना पड़ेगा, उसके लिए सबसे पहले ज़मीन ज़रूरी है। और दूसरा ध्यान देने वाली बात है कि वो मेन रोड पर होना चाहिए। और तीसरा है कि इसमें आपको एक मोटर ज़रूरी है और पानी की टंकी, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि ऑनलाइन आप सप्लाई का पानी इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि पानी आपको स्टोर होना चाहिए ताकि मोटर से उसको प्रेशर के रूप में यूज़ किया जा सके। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आगे भी शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हम इस तरह की जानकारी आपको देते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।